अपने फेवरेट सिंगर का सॉन्ग सुनकर घर का कुछ भी काम करना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि सॉन्ग्स माइंड को रिलैक्स करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम मोनामी एंड वेलकम बैक। बहुत दिन से कुछ एम्ब्रॉयडरी का काम कुछ बाकी था, फाइनली आज मैं ये काम खत्म करने वाली हूँ। मुझे अपने घर का एंट्रीवे आज ऑर्गेनाइज करना है। एंट्रीवे को ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि घर में कोई भी गेस्ट आते हैं तो ये एरिया ही उनको फर्स्ट दिखता है। सो इस एरिया को ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है मेरे घर का एंट्रीवे। ये वॉल पूरा खाली पड़ा हुआ है एंड दूसरी साइड में कुछ सेल्फ लगाया है एंड एक सूर्य रखा है, बट फिर भी कुछ स्पेस खाली ही है। सो फर्स्ट मैं क्लीनिंग कर लूँगी। इसके लिए मैंने डस्टिंग ब्रश, वाइप एंड स्प्रे लिया है। ये डस्टिंग ब्रश मैंने लास्ट वीक परचेस किया है। ये ब्रश मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये ब्रश बेंड कर सकते हैं, एक्सटेंडेबल भी है ये और वॉश भी कर सकते हैं। क्लीनिंग के लिए मैंने होममेड सॉल्यूशन यूज़ किया है। इस स्प्रे बॉटल में मैंने 1 ग्लास वाटर एंड 5 स्पून्स वाइट विनेगर मिक्स किया है। वाटर में ऐसे विनेगर मिक्स करके क्लीन करने से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है एंड ये नेचुरल क्लीनिंग सॉल्यूशन है, जिससे स्किन में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है और क्लीनिंग भी अच्छे से होता है। बोधक है ये पेंटिंग, अनुपल के कलीग ने उनको गिफ्ट किया था। वो बहुत अच्छे पेंटिंग करते हैं। ये पेंटिंग को मैंने फर्स्ट सेल पे रखा है एंड साइड में टी लाइट होल्डर रखा है। प्लांट्स के लीव्स में बहुत डस्ट होता है, सो इनको क्लीन करने के लिए मैं किचन टॉवल यूज करती हूँ। किचन टॉवल नहीं होने से कॉटन क्लॉथ से भी ऐसे क्लीन कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीक ही ये दोनों मनी प्लांट परचेस किया है। ये दोनों मनी प्लांट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इन प्लांट्स को मैं सेकंड एंड थर्ड वाली सेल्फ पे रखूंगी। सेकंड सेल्फ में एक सेरामिक कैंडल होल्डर एंड थर्ड सेल्फ में एक बौद्ध स्टैचू रखा है। ये राउंड प्लेसमेंट सिंपल है बट देखने में अच्छा लगता है। इसके ऊपर एक इंडोर प्लांट रखा है। ये प्लांट को केयर करना एकदम इजी है और इस प्लांट को 10 डेज में एक बार पानी देने से ही होता है और जल्दी भी ग्रो हो जाता है। इसके साइड में मैंने एक पीकॉक का शोपीस रखा है। ये पीकॉक का शोपीस मैंने होम सेंटर से परचेस किया था और यहाँ पे
मैंने क्यूट सा लाफिंग बुद्धा रखा है। सूर्य के साइड में जो स्पेस है वहाँ पे एक स्मॉल वुडन स्टूल रख रही हूँ। इसके ऊपर एक प्लांट एंड साइड में एक लैम्प रख रही हूँ। ये लैम्प का कलर ब्राइट है सो ये यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है। स्पाइडर प्लांट्स लो मेंटेनेंस है एंड जल्दी ग्रो होता है। ये स्पाइडर प्लांट यहाँ पे मैंने रखा है जिससे ये स्पेस और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पिंटरेस्ट से आइडिया लेकर कुछ एम्ब्रॉयडरी हुप्स बनाए थे, ये हुप्स मैं वॉल पे लगाऊंगी। मैं वॉल पे नेल्स यूज़ नहीं करूंगी, इसलिए ये डबल टेप यूज़ करूंगी। ये यूज़ करना इजी रहता है एंड वॉल भी ख़राब नहीं होता है। सूर्य का ड्रॉयर मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज किया है। टू स्मॉल बास्केट्स रखा है, एक बास्केट में हम लोगों का मास्क एंड सेकेंड बास्केट में कीज एंड हार्ड्रेड का सनग्लास रखा है। एंड साइड में स्मॉल सैनिटाइजर बॉटल्स रखा है, मास्क सैनिटाइजर बॉटल्स एंड कीज एक साथ ऑर्गेनाइज करके रखने से बाहर जाने के टाइम हम लोगों को ईजी पड़ता है। नीचे की सेल्फ में हेलमेट्स एंड सूरब्रश रखा है और उसके नीचे वेइंग मशीन रखा है। सूर्य के राइट साइड में मैंने शूज ऑर्गेनाइज करके रखा है। सूर्य में मैं नेफ्टेलिन बॉल्स रखती हूँ जिससे सूर्य फ्रेश रहता है एंड स्टिंकी स्मेल नहीं आता है। फाइनली मेरे घर का एंट्रीवे ऑर्गेनाइज हो गया है। मैंने ऑर्गेनाइजेशन एकदम ही सिंपल रखा है। आप लोगों को आज का ये एंट्रीवे ऑर्गेनाइजेशन वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल बटन को क्लिक करना न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। सो आज के लिए बाय बाय एंड सी यू।